नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार और विपिन तन्हा, और आज हम एक इंसानों की ज़िंदगी से रिलेटिव बहुत ही दुखद टॉपिक के साथ आपके बीच में आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है जॉब किलर, आपने सही सुना। जॉब किलर, आप सोचते होंगे इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा है दोस्तों कि हर वर्ष 1.6 करोड़ नौकरियां चाहिए होती है देश के अंदर, जबकि देश के अंदर सालाना बोले तो प्रतिवर्ष केवल 55 लाख ही नौकरियां पैदा होती हैं। इसी वजह से पिछले 10 सालों में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो रहे हैं। बेहद दुख की बात यह है कि अगर इसी आंकड़े से नौकरियां प्रतिवर्ष घटती रही तो अगले 10 सालों में यह बेरोजगारी का आंकड़ा लगभग 20 करोड़ के पार हो जाएंगे। मतलब सीधा है दोस्तों कि 2027-2028 ईस्वी तक हालात ऐसा हो जाएगा कि जहां 100 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी वहां मात्र 10 लोग ही काफ़ी रहेंगे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि बाकी के 90 लोगों का काम कौन करेगा, तो आप लोगों ने एक नाम सुना ही होगा, रोबोट। जी हाँ, आपने सही सुना, बाकी के 90 लोगों का काम रोबोट ही करेगा। क्यों करेगा? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि हम और आप जॉब के लिए मशीन की तरह दौड़ रहे हैं, ये नहीं जान रहे हैं कि आगे भविष्य में टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बढ़ रही है। इंसान जिसको अपने फायदे के लिए एक मशीन को बनाया, और वही मशीन आज इंसानों के दुख का सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है। आपकी दौड़ भाग की जो सिलसिला है, अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, उस दौड़ भाग में फुल स्टॉप लगाने के लिए अब इंसानों का जगह लेगा रोबोट। और यह रोबोट चीन के करीब 77% नौकरियों पर अपनी नज़र जगा ली है, और यह रोबोट नज़र सिर्फ चीन की नौकरियों पे ना है बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी लगभग 69% नौकरियों पर भी इसकी वजह से खतरे की घंटी बज चुकी है। और इस रोबोट की लंबाई, आपको यह जान के हैरानी होगी कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इस रोबोट की लंबाई 4 फुट 7 इंच ही है, और इसका उपयोग इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसमें लागत कम और मुनाफा यानी कि फायदा ज्यादा है। साथ ही महीने में तनख्वाह जो मजदूरों को देना पड़ता था बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर को, मालिक को, रोबोट को वो सैलरी नहीं चाहिए। आपको पता है कि सीमा की सुरक्षा सैनिक करते हैं यानी कि जवान, लेकिन आने वाले दिनों में यह काम भी रोबोट ही करेगा। जीता जागता उदाहरण के तौर पे अगर आपको जानना है तो आपने एक देश का नाम सुना होगा, इजराइल। इजराइल दोस्तों एक देश का नाम है और वहां इसकी शुरुआत हो चुकी है। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि जापान के अंदर एक ऐसा होटल है, जापान देश के अंदर एक ऐसा होटल है दोस्त जहां इंसान एक भी काम नहीं करते, पूरे के पूरे कर्मचारी वहां रोबोट ही है। साथ ही होंडा कंपनी ने रोबोट से ही काम लेना शुरू कर दिया है। प्लांट में मात्र 14 इंसान ही काम करते हैं, बाकी के रोबोट कर लेते हैं। अब लोगों का सवाल यह हो सकता है कि आखिर रोबोट से ही काम क्यों कराया जा रहा है, तो जवाब बहुत सिंपल सा है दोस्तों कि इंसान बीमार भी होता है, काम पर देर से पहुंचता है, इंसान पर्व त्यौहार शादी इस सारी चीज़ें में उसको छुट्टी भी चाहिए, खाने नहाने और सोने का भी इंसान को समय चाहिए, साथ ही साथ इंसान को सैलरी भी चाहिए, जबकि रोबोट ये सब चीज़ें नहीं लेगा। रोबोट मात्र 30 से 45 मिनट चार्ज हो गए, उसके बाद 30 से 45 मिनट चार्ज होने के बाद उसको खाने के लिए छुट्टी नहीं चाहिए,
सोने के लिए छुट्टी नहीं चाहिए, रोबोट थकता नहीं है बिकॉज वह एक मशीन है, और जबकि इंसान ऐसा नहीं कर पाते। दोस्तों, सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण ये रोबोट हो सकता है आए दिनों में। दोस्तों, यही था मेरा आज का टॉपिक, जॉब किलर। आपको शायद अब पता हो गया होगा कि आखिर जॉब किलर ये टॉपिक का मकसद क्या था। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।